प्लस और तमस, ठीक है, ऐसा भी कर देते हैं। ये तीन ही गुण हम सबके अंदर है। सत्व का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा गुण जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं थोड़ी एकेडमिक, थोड़ी स्पिरिचुअल किस्म की हो। तो जैसे 31 दिसंबर को आप ऐसे कुछ लोग मूड में होंगे कि उसमें पार्टी करेंगे, पार्टी, बोतल मंगवा ले भाई, बोतल मंगवा ले, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। तो यदि आप ऐसी प्रकृति वाले हैं तो आप में जिस गुण का अतिरेक है वो रजस है। रजस का मतलब चैन नहीं पड़ता है, ये कर दू, वो कर दू, आग लगा दू, धुआं कर दू, बट कुछ ना कुछ करना है हर समय। तो जो लोग बहुत चुस्त हैं, हमेशा गति से भरे हुए, उनमें कौन सा गुण ज्यादा है? रजस ज्यादा है। वो पावर प्रेमी है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, माँ तेरे पास ही रहने दे, तू रख ले माँ को, बाकी सब मुझे दे दे। तो जो ताकत के भूखे हैं और गति जिनके भीतर बहुत ज्यादा है वो है रजस से भरे हुए। तो अगर आप रजस से भरे हैं तो आईपीएस रखिएगा, ठीक है। जो लोग सोते सोते थक जाते हैं इसलिए फिर सो जाते हैं उनको बोलते हैं कि वो तामसिक है, तमस, खाएंगे दबा के एकदम। रात को 12 बजे भी कहो कि खा लो, हाँ हाँ खिलाओ ना, मुर्गा लाओ, बकरा लाओ, कौवा लाओ, नहीं तो गधा ही ले आओ, कुछ लाओ, और साथ में 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। इस प्रकृति के जो लोग हैं, गति नहीं, जिनमें भोजन ज्यादा ज्यादा करने की इच्छा रहती है, खाना पीना सोना, जिनका ये टेम्परामेंट है उनमें कौन सा गुण ज्यादा है? तमस ज्यादा है, तामसिक लोग हैं। तमस को सांख्य दर्शन ने काला रंग दिया है कि इनको काला रंग ज्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों कहा है, लेकिन आजकल तो ऐसा दिख नहीं रहा ज्यादा। रजस लाल रंग है, तो लाल रंग जब भी देखेगा समझिए रजस का प्रतीक है। इसलिए जो बैल भी होता है लाल को देख के भड़क जाता है। क्योंकि लाल गति पैदा करने वाला रंग है, इसलिए है बैल तो रंगहीन, मतलब देख नहीं पाता रंग, ये कहना चाह रहे ना। पर ऐसी परंपरा में कहते हैं कि लाल रंग शुभ मत दिखाइए, ये मैं प्रयोग करके देख लीजिएगा, है ना। जब बैल आए तो उसको लाल कपड़ा दिखाना है कि देखना है भाई कि साइंस में ठीक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। क्या होता है? हाँ हो सकता है, नहीं वो मैं जानता हूं कि पशु जो है उनको रंग का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन परंपरा में मानते हैं कि लाल रंग दिखाएंगे तो दौड़ेगा आपके पीछे, पता नहीं, हो सकता है गलत बात हो। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि पशुओं को रंग का ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं कि इंटेंसिटी का भी ज्ञान नहीं होता। हर रंग की ब्लैक एंड व्हाइट में इंटेंसिटी तो अलग अलग होती है ना, तो ये तो हो ही सकता है कि उस इंटेंसिटी से उसको फर्क पड़ जाता हो। बाकी इस पर विज्ञान के सर ठीक बताएंगे, मैं ठीक नहीं बता पाऊंगा। सत्व सफेद रंग, ऐसे लोग जिनको पढ़ाई लिखाई में गजल सुनने में मजा आता हो, न कि हनी सिंह सुनने में मजा आता हो, जो सुबह उठते हनी सिंह लगा ले इसका मतलब है कि वो रजस से भरा हुआ है, और जिसकी सुबह ही नहीं होती वो तमस से भरा हुआ है। जिसकी होती है और सुबह सुबह भजन सुनता है, फिर गजल सुन ली, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, उदार है, हृदय से उदार है, छोटों को माफ कर देता है, गलतियां छोड़ देता है दूसरों की, उसको बोलेंगे सत्व से भरा हुआ, सत्व। समझ में आ गया? ये तीन गुण है, तो कौन सा गुण ज्यादा होना चाहिए जीवन में? सात्विक। कौन सा सबसे कम? तामसिक। रजस तो युवा जीवन में रहता ही है, धीरे धीरे सत्व की ओर बढ़े ये अपेक्षा होती है। हाँ, भोजन भी आता है सात्विक भोजन, जैसे सुबह सुबह आपने 2-4 बादाम खा लिए, 1 केला खा लिया, 1 गिलास दूध पिया और आपने कहा हो गया भाई हो गया, ये सात्विक भोजन है। दूसरा कह रहे क्या हो गया, मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, अरे यार हद करते हो, 4 पराठे, थोड़ा मक्खन, थोड़ा दही साथ में का कुछ और भी हो, मसालेदार चीज हो, ये राजसिक से तामसिक की यात्रा है। तामसिक क्या करेगा, सुबह उठती बोतल खोल के बैठ जाएगा, तू कल बच गई थी वो तामसिक है। तो साथ में जो रात का बचा हुआ चिकन है वो निकालेगा कि देख मुर्गे तेरी टांग रह गई थी, तेरी टांग को मोक्ष नहीं मिला है, हाथ को मोक्ष मिल गया कल रात को, तो वो तामसिक है, ठीक है। तो भोजन भी